तो दोस्तों आज बात करने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबा दें। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। दोस्तों अपडेट लगेगी है ईपीएस 95 पेंशनर्स सदस्यों ने न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी को लेकर माननीय शासन श्री तेजस्वी सूर्या जी से की मुलाकात। आपको बता दूं देश के 65 लाख ईपीएस पेंशनर्स की मांगें मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ चिकित्सा सुविधा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उच्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांग की जा रही है। इसी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य माननीय मुरलीधर रवेथी, माननीय नागराज गणेशन, माननीय महादेवप्पा नटराजन जी ने दिनांक 22 नवंबर 2020 को माननीय शासन श्री तेजस्वी सूर्या जी से मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या के बारे में बातचीत की गई है। और ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य का एक और सफल प्रयास रहा है। एनएससी के सदस्य ने दिनांक 22 नवंबर 2020 माननीय शासन श्री तेजस्वी सूर्या जी से मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के विषयों को समझाया। साथ ही इस मुलाकात में राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के सदस्यों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी माननीय श्री तेजस्वी सूर्या जी को सौंपा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के विषयों को समझने के बाद माननीय शासन जी ने पूरा ईपीएस 95 पेंशन धारकों सहयोग करने का आश्वासन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया। ये जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य द्वारा एक ट्वीट में माध्यम से साझा की गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब जो है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए जो है बैन हो गया था, आप देख सकते हैं जुलाई 2021 तक के लिए अनफ्रीज कर दिया गया था, अब देख सकते हैं आगे जो बाकी डिपार्टमेंट है जिसमें सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए पर रोक लगाने का आदेश भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के चलते पैदा हुए संकट की वजह से 1 अक्टूबर से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि 1 जुलाई 2020 को डीए में जो इजाफा किया गया था वह लागू ही रहेगा। इसके अलावा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 और 1 अप्रैल 2021 से बढ़ने वाले डीए पर भी रोक लगाने का आदेश दे दिया है। आगे आप देख सकते हैं मंत्रालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अब 1 जुलाई 2020 से किए गए डीए को ही रिवाइज किया जाएगा। यही नहीं, मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक बढ़े हुए डीए पर रोक रहेगी और भविष्य में उसका एरियर नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारियों को डीए के भुगतान पर रोक से जो नुकसान होगा उसकी भविष्य में भरपाई नहीं की जाएगी। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उन कंपनियों को कहा जाता है जो केंद्र सरकार के तहत आती है। इन कंपनियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और कोल इंडिया जैसी कंपनी भी शामिल हैं। आगे आप देख सकते हैं, बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अपने सभी कर्मचारियों के जनवरी 2020 से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर पहले ही रोक का आदेश दे दिया जा चुका है। सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में ही जनवरी से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक का आदेश दिया था। यही नहीं, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए में इजाफे पर रोक का भी आदेश दिया था। अब जुलाई 2021 में ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफों के लेकर विचार किया जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं, इसमें गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपी, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों की सरकारों ने भी कर्मचारियों को डीए को लेकर यह आदेश दिया था। यहां तक कि ओडिशा और केरल जैसे राज्यों ने कोरोना संकट से निपटने के लिए फंड की कमी का हवाला देते हुए सैलरी में भी कटौती का फैसला लिया था। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के बाद में अब जो सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज जो होता है उनके जो कर्मचारी होती है उनमें बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती है जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल होती है, एनटीपीसी होती है, कोल इंडिया होती है। इनके कर्मचारियों को डीए अभी तक फ्रीज नहीं हुआ था, अब फाइनली इनके कर्मचारियों के जो डीए और डीआर को जो है फ्रीज कर दिया गया है। तो बहुत तगड़ा झटका लगा सीपीएससी के कर्मचारियों के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, इसको शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो लेटर 30 सितंबर 2016 को जारी किया गया था उसमें कुछ बदलाव हैं और वो बदलाव 11 अक्टूबर 2017 को जो लेटर जारी किया गया था मोदी के द्वारा ही उसमें भी रिफ्लेक्ट हुए थे, अब उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इम्प्लीमेंट उसमें हुआ है। 11 अक्टूबर 2017 के लेटर में ये बताया गया था, अब जो 30 सितंबर 2016 का लेटर था उसमें इंक्लूड कर दिया गया है
कि जो रैंक होती है मेजर जनरल की, उसकी नॉर्मल रेट पहले सेक्टर में थी 16,277 रुपये थी, अब उसको बदलाव करके इस प्रकार से बढ़ा जाएगा कि मेजर जनरल रैंक की नॉर्मल रेट जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की 16,227 रुपये होगी। दोस्तों अनेक्सर सी में हम बात करते हैं रैंक ऑफ एमडब्ल्यू ऑफ ग्रुप एक्स ऑफ एयर फोर्स की। पहले वो जो 30 सितंबर 2017 का लेटर था उसमें मिनिमम अफेटमेंट टेबल में 21,790 रुपये था, सर्विस पेंशन उसी के हिसाब से 10,895 और इन्हांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10,895 थी। इसके कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 8,537 रुपये थी। अब हम बात करते हैं इसमें क्या बदलाव हुए हैं। मिनिमम ऑफ फिटमेंट टेबल उस रैंक के लिए 21,970 रुपये हो गई है, सर्विस पेंशन उसी के हिसाब से अब 10,985 हो गई है, इन्हांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अब दोस्तों 10,985 रुपये हो गई है। नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की हम बात करें तो 6,591 रुपये हो गई है। आगे इन्होंने बताया है कि एक पार्ट और उस लेटर का जो 30 सितंबर 2016 को जारी किया गया था उसका अमेंड हुआ है, वो अमेंड हुआ है 22 दिसंबर 2017 को एक लेटर जारी किया गया था उसी के हिसाब से। और उन्होंने बताया है कि जितने भी एनसीज हैं आर्मी एंड एयरफोर्स के उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होगा और ग्रुप जेड आर्मी के उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। तो किस प्रकार से है उस लेटर को चलिए हम देख लेते हैं। एनसीज जो फिटमेंट टेबल है 7,000 मिनिमम और पेंशन उनकी कोरस्पॉन्डिंग 3,500 रुपये होगी, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 3,500, फैमिली पेंशन भी 3,500। एनसी टिंडल के लिए भी सेम रेट्स हैं दोस्तों, इसके लिए एनसी हेड टिंडल के लिए फिटमेंट टेबल में मिनिमम पड़ता है 7,160 और मिनिमम पेंशन उनकी सर्विस की कितनी होगी 3,580 रुपये और ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी 3,580 और कम से कम फैमिली पेंशन 3,500 रुपये तो होगी ही होगी। तो यही था पूरा लेटर, ये लेटर में आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक वीडियो जो मैंने ऊपर बताई आपको 30 सितंबर 2016 का जो लेटर था उसकी भी दोनों के दोनों लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।